हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। भारतीय राजनीतिक चिंतक की सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हुए महात्मा गांधी वाला टॉपिक हमारा चल रहा था इस सीरीज के अंतर्गत लेक्चर नंबर 15 में, है ना। और आज महात्मा गांधी का ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट हमारा। इससे पहले हम दो सेशन ले चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए कंप्लीट सेशन। और अगर पूरा कंटिन्यू चाहिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर के कंप्लीट चाहिए पूरे, तो दोस्तों आपको फिर प्लेलिस्ट में जाना होगा। सभी की प्लेलिस्ट, सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट सभी के नाम से बना दी गई है। जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है आप उसे वहां प्लेलिस्ट से चूज करके और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से निशुल्क रूप से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सभी के लेक्चर देख सकते हैं और उनके नोट्स भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उन्हीं की डिस्क्रिप्शन में जाकर के। और कंप्लीट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहां पर हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, वो भी निःशुल्क रूप से। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधी विचारों को, ठीक है ना। तो अहिंसा संबंधी विचार क्या थे गांधी जी के, उन पर आज हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा। सेशन छोटा ही होगा, ज्यादा लेंदी नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं, डायरेक्टली मूव करते हैं अपने सेशन पर। जैसा कि दोस्तों मैं देखिए प्रत्येक सेशन में मेरा बताना उत्तरदायित्व मेरा कि ये सब बताना ताकि आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाए कि अभी हम कौन सी यूनिट के कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा बताता हूं आपको, जैसे कि मैं सेकेंड ईयर के सिलेबस को कवर कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आपके थर्ड ईयर में ये सिलेबस हो या हो सकता है आपको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया जा रहा हो। जैसे कि अधिकतम जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी है वो इसे फर्स्ट ईयर में कवर करवाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो इसे थर्ड ईयर में कवर करवाती है, वो वहीं मध्य प्रदेश की कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो इनको जो है सेकेंड ईयर में कवर करवाती। तो अलग अलग यूनिवर्सिटियां अलग अलग ईयर में इसे कवर करवा रही है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रहता, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको फोकस ये करना है कि अगर आपका सब्जेक्ट भारतीय राजनीतिक चिंतक है और आपके उस सिलेबस में महात्मा गांधी का टॉपिक है, तो निसंकोच होकर के विद नोट्स विद डेटा आप लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और यहां से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो थर्ड यूनिट में पहला टॉपिक हमारा महात्मा गांधी, जो कि आज पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेहरू साहब पर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर होगा, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और फिर अंबेडकर साहब। इस प्रकार से चार विद्वानों पर हम यहां इस थर्ड यूनिट में चर्चा करने वाले, उसके बाद फोर्थ यूनिट में मूव करेंगे, उसके बाद फिफ्थ यूनिट पर। इस प्रकार से जल्दी कवर करने की होने की संभावना है। हालांकि जानता हूं कुछ बच्चों के एग्जाम बहुत जल्दी कल परसों में ही स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे से जिनका भी इसके जून के लास्ट में एग्जाम स्टार्ट होंगे सेकेंड ईयर में, तो दोस्तों देखिए काफ़ी सारी कमेंट आती है कि सर तो एग्जाम भी हो चुके हैं, अभी आप अपलोड कर रहे हैं वीडियो को, तो दोस्तों आपके एग्जाम हुए हैं, बाकी अभी कुछ बच्चे बचे हुए जिनका एग्जाम होना भी बाकी है। और अगर आपके हो भी जाते हैं, सबके भी हो जाते हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो अब सेकेंड ईयर में आएंगे, जो इसको बाद में कवर करेंगे, तो उनके लिए भी जरूरी था, है ना। हैंड टू हैंड तो सभी सब्जेक्ट को कवर करना इतना आसान तो होता नहीं है, ठीक है ना, तो उनको एडवांस में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करें, उससे पहले जान लेते हैं कि आज के अहिंसावादी विचारों में, गांधी जी के अहिंसावादी विचारों में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दो बिंदुओं पर विशेष रूप से हम यह चर्चा करेंगे कंप्लीटली। सबसे पहले हम नॉन वायलेंस को समझेंगे, अर्थात अहिंसा को समझेंगे कि ये अहिंसा है क्या, कहां से ये अहिंसा, ये शब्द कहां से आया, है ना, और इस अहिंसावादी शब्द को गांधी जी ने क्यों धारण किया था। ये सारी बातें हम इस फर्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं अहिंसा वाले में। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अहिंसा की अवस्थाएं और या प्रकार की, जिस अहिंसा की गांधी जी बात करते थे वो उसके प्रकार कितने कितने हो, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं अहिंसा के, क्लियर है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन दो बिंदुओं के माध्यम से आज का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं सेशन अपना। जैसा कि गांधी जी का हमने सभी सेशनों को किस प्रकार से कंप्लीट किया आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। मैं आपको चूंकि बता चुका हूं कि अभी से लगभग 6 महीने पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट पहले ही करा चुके थे, तो मैंने पूरा सेशन वापस से रिपीट करके देखा, उसे डेटा उसका चेक किया, डेटा भी सेम है, सब कुछ सेम था। इसी कारण से दोस्तों मैं जो है आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसी सेशन में मैं पुराने वीडियो ही आप लोगों के लिए प्ले कर रहा हूं पिछले दो सेशनों से, और आज भी हम वही करेंगे जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना, कोई डेटा सब कुछ सेम है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके लेक्चर देखने के बाद में एक बार पीडीएफ का रिवीजन जरूर लगाइएगा, जिससे आपका टॉपिक पूरी तरह से एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों, चलिए पुराना जो हमारा सेशन था उसी को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसी के माध्यम से आज के इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर, तो क्या है ये नॉन वायलेंस की धारणा,
गांधी जी के शब्दों में समझते हैं, गांधी जी के अनुसार समझते हैं। गांधी जी ने राजनीति में अहिंसा का समावेश करके, गांधी जी ने राजनीति में अहिंसा का समावेश करके राजनीतिक चिंतन को एक नया रूप प्रदान किया है। क्यों लिखा गया है ऐसा? ये राजनीति में अहिंसा का समावेश, ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है इसमें? क्योंकि दोस्तों जब तक गांधी जी का प्रवेश नहीं हुआ था भारतीय राजनीति में, उससे पहले जितने भी आंदोलन किए जा रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा या अन्य आंदोलनों के में, अन्य आंदोलनों आंदोलनों में जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, उनमें भी पूरी तरह अहिंसा का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि हिंसा का प्रयोग भी हो रहा था, अर्थात कि हिंसात्मक क्रांतियां भी उस समय की जा रही थी। लेकिन वहां पर कुछ परिणाम ऐसे निकलते थे कि जब क्रांतिकारी अर्थात आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी जब हिंसा का इस्तेमाल करते थे, तो उस आंदोलन को सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार बहुत आसानी से उस आंदोलन को कुचल देती थी, दबा देती थी, ठीक है ना। तो इसी में एक बड़ा बदलाव किया गांधी जी ने और कहा कि अब प्रत्येक आंदोलन में अहिंसा का इस्तेमाल होना चाहिए, सत्याग्रह का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सामने वाला जो शासक है अर्थात जो ब्रिटिश सरकार है, वो आंदोलन के प्रति क्रूर नहीं होगी, वो हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप हिंसा का प्रयोग करेंगे तो ही शासक भी आपके प्रति आपके विरोध में हिंसा का प्रयोग करेगा, और चूंकि तादाद में या शक्ति में वो आम जनता से अधिक शक्तिशाली है, इस कारण से उस क्रांति को आसानी से दबा देगी सरकार। इसलिए प्रत्येक आंदोलन में हिंसा का प्रयोग ना होते हुए अहिंसा का प्रयोग होना चाहिए, ये विचार गांधी जी का ही था। और पहली बार गांधी जी ने ही इन सभी आंदोलनों में अहिंसा का समावेश कराया, और इससे राजनीतिक विचारधारा को, राजनीतिक चिंतन को, उस समय के तात्कालिक आंदोलनों को एक नया रूप मिला, एक नया रूप प्रदान गांधी जी ने किया। गांधी जी ने अहिंसा की व्याख्या सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार से की है। इस शब्दों को आप विशेषकर याद रखना, गांधी जी ने जो अहिंसा की व्याख्या की है, मतलब अहिंसा के दो रूप बताए हैं कि दो प्रकार की अहिंसा हो सकती है। दो प्रकार की अहिंसा में कौन कौन सी दोस्तों? एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जब हम बात करते हैं नकारात्मक अहिंसा की, तो नकारात्मक अहिंसा का मतलब हुआ कि शरीर और मन से किसी जीव को हानि न पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शरीर से और मन से सोच के भी किसी अन्य को हानि न पहुंचाना, किसी भी जीव को, ठीक है, उसमें मनुष्य भी आ गए और जीव जंतु भी आ गए, सब जानवर भी आ गए, तो इनको हानि ना पहुंचाना, ये तो है एक नकारात्मक स्वरूप किसका? अहिंसा का। और जब हम सकारात्मक स्वरूप की बात करते हैं दोस्तों, तो सकारात्मक स्वरूप के अंतर्गत अहिंसा पर चलने वाला व्यक्ति अपने शत्रु से भी प्रेम करे, ये है अहिंसा का सकारात्मक स्वरूप, ठीक है। तो अहिंसा हिंसा से श्रेष्ठ है, क्यों कहा उन्होंने? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हम सत्याग्रह पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि अहिंसा जो है, या कहें कि सत्याग्रह मतलब अहिंसा दुर्बल लोगों का हथियार नहीं है, बल्कि शक्तिशाली लोगों का हथियार है। किसका हथियार है? शक्तिशाली लोगों का हथियार है। और गांधी जी ने स्पष्ट कहा भी है कि ये केवल केवल निर्भीक व्यक्ति का ही हथियार है। अहिंसा के मार्ग को निर्भीक व्यक्ति ही अपना सकता है। निर्भीक मतलब जो किसी से डरता ना हो, जो शक्तिशाली हो, वही निर्भीक व्यक्ति हो सकता है और वही अहिंसा का मार्ग अपना सकता है। डरा हुआ दुर्बल व्यक्ति अहिंसा का मार्ग नहीं अपना सकता, ठीक है ना। तो अहिंसा बलवानों का अस्त्र है। क्या कहा गांधी जी ने? जो अहिंसा है वो बलवानों का अस्त्र है, निर्बलों का नहीं। महात्मा गांधी कायरता के स्थान पर हिंसा का प्रयोग करना ज्यादा उचित मानते थे। महात्मा गांधी स्पष्ट ये भी कहते थे कि अगर आप में शक्ति नहीं है सामने वाले को जवाब देने की, तो आप कायर होते हुए आप हिंसा का प्रयोग कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक है। लेकिन अगर आप एक कायर के रूप में दुर्बल होकर के अगर अहिंसा का की चादर ओढ़ोगे, अहिंसा का नाम लोगे कि मैं अहिंसात्मक हूं, इस कारण से हथियार नहीं उठा रहा हूं, तो ये गलत होगा, है ना।
तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कायरता की जगह, कायरता के स्थान पर हिंसा ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि कायर व्यक्ति सामने वाले की हिंसा को बर्दाश्त करेगा और ये भी अपने आप में एक अपराध है, ये भी अपने आप में एक अपराध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गांधी जी ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो अहिंसा का जो अस्त्र है वो सिर्फ शक्तिशाली लोगों का ही अस्त्र है, दुर्बलों का नहीं है। दुर्बल व्यक्ति इससे दूर रहे उसी में ज्यादा उनका औचित्य होगा, और वो व्यक्ति जो दुर्बल है वो अहिंसा की बात ना करते हुए बल्कि वो जो है हिंसात्मक साधनों को अपनाएंगे तो वो ज्यादा उचित होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों गांधी जी के इसी इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए क्रांतिकारी विचारकों का मत था। देखिए अब इसमें क्रांतिकारी विचारक क्या मानते थे, अब आपने सुना ही होगा, दो शब्द सुने होंगे आपने, एक गरम दल एक नरम दल। भाई नरम दल जो थे वो गांधी जी के इशारों पर चलते थे, गांधी जी के सिद्धांतों को फॉलो करते थे, ठीक है ना। और एक था क्रांतिकारी दल, मतलब गरम दल, जो क्रांतिकारी सोच, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, तो ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग थे। और ये इस प्रक्रिया को, कौन सी, अहिंसा वाली प्रक्रिया, चूंकि यहाँ देखिए क्रांतिकारी थे वो, तो उनकी धारणा अलग थी, उनकी धारणा अलग थी। उनकी धारणा क्या थी, बस जो भी सामने आ उसको मारिए, मारकर उसे देश से भगाइए, ठीक है। उनकी धारणा ये थी कि मारकर भगाइए, ऐसे ये समझने वाले नहीं है, इनको मारकर भगाना पड़ेगा तब भगेंगे। तो वो हिंसा का प्रयोग करना ज्यादा उचित समझते थे स्वतंत्रता प्राप्ति के दौर में, ठीक है। तो उन लोगों का मत था, उन विचारकों का मत था कि जो अहिंसा वाली जो प्रोसेस गांधी जी ने बताई है वो प्रोसेस बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमी, गलत नहीं बोला उन्होंने पर धीमी प्रक्रिया बोला, ये धीमी प्रक्रिया है, इससे स्वतंत्रता शीघ्रता पूर्वक प्राप्त नहीं हो सकती, इससे स्वतंत्रता स्वतंत्रता जो है शीघ्रता से मतलब तुरंत हासिल नहीं होगी। जबकि गांधी जी ने कहा था कि हाँ ये धीमी प्रक्रिया तो है परंतु सफलता सुनिश्चित है, सफलता 100% सफलता मिलने की संभावना इसके अंतर्गत मौजूद है, क्योंकि जब हम हिंसा करते हैं तो हिंसा का सहारा लेकर ही सरकार भी हमें जवाब देगी और हम लोगों को आसानी से कुचल देगी, लेकिन जब हम अहिंसा का प्रयोग करेंगे तो सरकार भी जो है हमारा सामना नहीं कर पाएगी, हमारे विरुद्ध हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो गांधी जी का विचार था कि तानाशाही के विरुद्ध यदि हिंसा का प्रदर्शन किया जाए, मतलब तानाशाही मतलब ब्रिटिश सरकार मान लीजिए, तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अगर हम हिंसा का प्रदर्शन करेंगे, अगर हम उसके विरुद्ध हिंसा करेंगे तो उसकी क्रूरता और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी क्रूरता और ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब हमारी हिंसा का जवाब वो भी हिंसा से ही देंगे। अब चूंकि उनके पास में सुसज्जित सेना है, उनके पास में उस जो है उच्च क्वालिटी के हथियार भी है, जितने की हथियार हम जनता के पास में नहीं है, तो हथियार होने से, सेना होने से वो हमारे आंदोलनों को आसानी से कुचल पाएंगे, अर्थात उनकी क्रूरता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सामने वाले को, अर्थात शासक को, उसी क्रूर शासक को अगर मानसिक रूप से ये नैतिक विरोध उसका किया जाए, मानसिक रूप से अगर नैतिक विरोध किया जाए सभी ने अवज्ञा के माध्यम से, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अर्थात कि हिंसात्मक साधनों का प्रयोग हमारे विरुद्ध नहीं कर पाएगा। तो गांधी जी के अनुसार अत्याचारी की तलवार की धार को मोटी करने के लिए तेज धार वाले हथियार की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा उन्होंने कि सामने वाले के तलवार की धार मोटी करने के लिए, मोटी मतलब कि उसके हथियार की धार खत्म करना है ना, तो सामने वाले की तलवार की धार मोटी करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक तीखी धार वाले हथियार का इस्तेमाल करें, बल्कि उसको ये एहसास दिलाए कि कोई व्यक्ति आपका शारीरिक प्रतिरोध कर सकता है, शारीरिक प्रतिरोध कर सकता है मतलब सभी ने अवज्ञा कर सकता है, आपका विरोध कर सकता है, इस संबंध में उसे निराश करने की आवश्यकता है। और अगर उसको ऐसा अनुभव हो गया कि जनता लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मानसिक रूप से मेरा विरोध करेंगे, तो आत्मा का विरोध उस व्यक्ति को हताश कर देगा, क्या कर देगा, हताश कर देगा। तो ऐसे विचार थे गांधी जी के अहिंसा को लेकर के, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद में दोस्तों अब हम देखेंगे अहिंसा के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, अहिंसा के प्रकारों पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तीन प्रकार की अहिंसा के बारे में इन्होंने बताया है, कौन कौन सी, जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और भीरुओं की अहिंसा।
ठीक है। तो तीनों पर दोस्तों वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। जागृत अहिंसा क्या है, जागृत अहिंसा क्या है, औचित्यपूर्ण अहिंसा क्या है और भीरुओं की अहिंसा क्या है, तीनों पर एक एक करके हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि ये हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और इसी के बाद में दोस्तों हमारे लेक्चर भी हो जाएगा समाप्त। छोटा सा लेक्चर था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लगभग ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, टाइम देख लेते हैं, मात्र 12 मिनट अभी तक हुए हैं, मात्र 12 मिनट, मुश्किल से दोस्तों ये 20 मिनट के अंदर अंदर ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा आज का, ठीक है। चलिए, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम आपको जड़ी कुछ ज्यादा ही रहती है, इस कारण से बताना पड़ा मुझे भी, ठीक है ना। तो गांधी जी ने अहिंसा की तीन अवस्थाएं बताई है। सबसे पहले बात की उन्होंने जागृत अहिंसा की, जागृत अहिंसा की, यह अहिंसा वीर की अहिंसा क्या कहा उन्होंने, जागृत अहिंसा का मतलब तीनों में माइनर डिफरेंस दिखेगा, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सतर्क होकर इस तीनों पॉइंटों को पढ़ना दोस्तों, एक माइनर सा डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा तीनों में। जागृत अहिंसा को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि ये इससे, जागृत अहिंसा को लेकर गांधी जी ने क्या कहा कि ये वीर लोगों की अर्थात शक्तिशाली लोगों का की अहिंसा है, ये वीर का आभूषण है, जो अहिंसा है ना, अहिंसा ये वीर का आभूषण है, वीर का एक वीर का हथियार है, वीर का आभूषण है, वीर व्यक्ति ही इस प्रकार की अहिंसा को धारण कर सकते हैं, निर्बल व्यक्ति नहीं कर सकते। अहिंसा के इस रूप में ही असंभव को संभव में बदलने की तथा पहाड़ों को हिला देने तक की अपार शक्ति होती है। तो गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर ये कहने का प्रयास किया है कि जो अहिंसा है, ये अहिंसा जो इसको धारण करता है वो एक वीर पुरुष ही हो सकता है, और उस वीर पुरुष का ये एक आभूषण है, ये एक हथियार है, और इसे धारण करने वाला व्यक्ति असंभव को भी संभव में बदल सकता है, ये है ना, असंभव को भी संभव बना सकता है। तो इस प्रकार से जागृत अहिंसा का अर्थ उन्होंने ये लिया। इसके बाद जब बात करें औचित्यपूर्ण अहिंसा की, औचित्यपूर्ण अहिंसा, तो इसमें कहा दोस्तों कि ये दुर्बल व्यक्ति की अहिंसा है। कौन सी? औचित्यपूर्ण अहिंसा। लेकिन देखिए अभी कैसे जागृत अहिंसा में कन्वर्ट हो रही है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। ये दुर्बल व्यक्ति की अहिंसा है, इसमें व्यक्ति अपने नैतिक विश्वास के कारण नहीं बल्कि निर्बलता के कारण अहिंसा का प्रयोग करता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मारने के लिए आता है, तो जैसे मान लेते हैं कि ए को बी मारने के लिए आया, अब ए इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो बी का सामना कर सके, इस कारण से ए ने कहा कि भाई मैं अहिंसावादी हूं, मैं हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक है। तो किस कारण से कहा ए ने, क्योंकि ए जो है दुर्बल है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो बी का सामना कर सके, ठीक है ना। तो वो कौन सी अहिंसा धारण कर रहा है यहाँ पर, औचित्यपूर्ण अहिंसा। कौन सी? औचित्यपूर्ण अहिंसा। हालांकि लेकिन क्या होता, देखिए यह अहिंसा उचित नहीं है, फिर भी इस प्रकार की अहिंसा की शरण में आया हुआ व्यक्ति धीरे धीरे आत्मीय बल प्राप्त करने लगता है, और इसी प्रकार से प्रयास करते 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 औचित्यपूर्ण अहिंसा भी जो है वीर की अहिंसा में बदल जाती है। जब व्यक्ति बार बार इसका रिपीटेशन करता है, कौन? वही दुर्बल व्यक्ति। जब बार बार इसका रिपीटेशन करता है तो धीरे धीरे ये जो है जागृत अहिंसा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। इसके बाद में तीसरी अहिंसा की उन्होंने बात की, भीरुओं की अहिंसा। तो कुछ व्यक्ति परिस्थितियों का मुकाबला करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, अपनी नाक बचाने के लिए कायरता बस अहिंसा को धारण कर ले। तो ये अहिंसा वो वाली अहिंसा है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति किसी प्रकार से सामने वाले को जवाब नहीं दे सकता, उसका सामना नहीं कर सकता, पूरी तरह से कायर है, निर्बल है, इस कारण से वो अहिंसा का बहाना ले रहा है ताकि उसे लड़ना ना पड़े। किसका? अहिंसा का बहाना ले रहा है। तो ऐसे कायर व्यक्ति को अहिंसा के मार्ग पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कायर व्यक्ति को अहिंसा के मार्ग पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी के शब्दों में कायरता और अहिंसा में पानी और आग की तरह एक साथ, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कायर व्यक्ति अहिंसा का सहारा ले, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस प्रकार से अहिंसा का हमने सबसे पहले अहिंसा की व्याख्या की, उसके बारे में कुछ उसके अर्थ या उससे संबंधित शब्दावलियों को समझने का प्रयास किया कि गांधी जी ने किस प्रकार की अहिंसा को और उसके अंदर किस प्रकार का भेद उन्होंने किया है, अहिंसा को किस रूपों में मानना, जैसे सकारात्मक अहिंसा,
नकारात्मक अहिंसा है ना, और किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि इस अहिंसा को कौन व्यक्ति धारण कर सकता है। उसके बाद में जब गांधी जी ने आगे बढ़े इसी विचारों पर, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अहिंसा जो है, अहिंसा के तीन प्रकार हो सकते हैं भाई। एक होगी जागृत अहिंसा, जो वीर की अर्थात की शक्तिशाली व्यक्ति का हथियार होगा। दूसरी औचित्यपूर्ण अहिंसा होगी, जो एक कायर व्यक्ति अहिंसा का प्रयोग करेगा, लेकिन बार बार इस अहिंसात्मक अस्त्र का प्रयोग करने से वो धीरे धीरे वीर की अहिंसा में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। और इसी प्रकार से लास्ट वाली बात की भीरों की अहिंसा, जो पूरी तरह से जो कायर व्यक्ति होता है, डरपोक व्यक्ति होता है, वो उसके द्वारा इस अहिंसा को इस्तेमाल किया जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसे कायर व्यक्ति को अहिंसा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन तीन पॉइंटों के माध्यम से हमने इसको भी समझने का प्रयास किया है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अब नेक्स्ट सेशन होगा हमारा अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर। तो अंबेडकर के अंतर्गत दोस्तों हम दो सेशन लेकर आएंगे, एक में बात करेंगे सामाजिक विचारों पर और एक में बात करेंगे राजनीतिक विचारों पर, ठीक है ना। चूंकि अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन काल राजनीति के साथ साथ में समाज उद्धार में लगा दिया, इस कारण से उनके जो सामाजिक विचार रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और बहुत ही उम्दा प्रकृति के रहे। उम्दा प्रकृति के मतलब कहेंगे जिस प्रकार से गांधी जी ने नैतिकता का समावेश राजनीति में कराया, जो है सत्याग्रह का, अहिंसा का, कुछ नए प्रयोग जो इस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किए, उसी प्रकार के प्रयोग जो है अंबेडकर ने समाज की उन्नति के लिए, उन्होंने समाज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे ही कुछ नए प्रयोग किए। तो अंबेडकर के जो प्रयोग रहे हैं समाज उन्नति के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक रहे हैं। इस कारण से दोस्तों इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, अंबेडकर के सामाजिक विचार और अंबेडकर के राजनीतिक विचार दोनों को अलग अलग, ठीक है।